بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين عليهم अकफ़रू सवादरता لم अमल لا يؤمنون ختم ख़तम على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى उशा غشاوة ولهم عذاب عظيم यह बात हो गई थी कि तीन ग्ररोहों का तस्करा होगा और उसमें से पहले गरोह का तस्कर हुआ और पहले ग्रोह के तस्करे में उनके औसाफ़ और उनकी दुनियावी और उखरवी जजा का बयान ये हो गया और दुनियावी और उखरवी जजा ये थी कि दुनिया में वो लोग जो कि मुत्तकीन हैं जो कि इस किताब से मुकम्मल फ़ायदा उठाते हैं दुनिया में वो लोग हिदायत पर मजबूती से कारबंद हैं और आख़रत में उनका बदला ये है कि आख़रत में वो फलाह पाने वाले हैं अब इसके बाद इसके बिल्कुल उलट और इसकी ज़िद किस्म का तस्करा है और वो लोग हैं कि जो इस किताब का ज़ाहिरन और बातना इनकार करने वाले हैं यानी कि ना उन्होंने इस किताब से ज़ाहिर में कोई फ़ायदा उठाया ना बा में कोई फ़ायदा उठाया तो फ़रमाया कि इन नल्लदीन किफ़रु वो लोग जो के काफ़िर हैं वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया है सवा उन आंदरता हम अम लम तिर हूँ इस हाल में कि उनके लिए आपका डराना और ना डराना बराबर है यानी कि वो लोग जिन्होंने इस हाल में कुफ़र किया है कि उनके लिए आपका डराना और ना डराना बराबर है ला ये काफ़िर ऋमान नहीं लाएंगे उसकी वजह यह है कि इनका कुफर किसी शुभे की वजह से नहीं है या जहल की वजह से नहीं है बल्कि इनका कुफ़र जो है वो इनाद की वजह से है जिद की वजह से है ये आपकी सदाक़त को और आपकी सच्चाई को आपके सिद् को जो है वो पहचान चुके हैं ये इस बात को जान चुके हैं कि ये किताब जो है ये अल्लाह की किताब है और आप जो हैं वो अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अकेला इबादत का मुस्तक है और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाना ये बरहक है लेकिन उसके बावजूद ये अपने इनाद और ज़िद की वजह से आप पर ईमान नहीं ला रहे तो अब चूँकि इनका कुफ़र इनादी है तो उसके नतीजे में इनके लिए सज़ा ये है कि अल्लाह ताला इनको मुस्लिल ईमान से महरूम रखेगा और ये उनके कुफ़र पर इनाद और ज़िद की वजह से उनको सज़ा मिलेगी ऐसा नहीं है कि ये सबब है उनके कुफ़र का नहीं बल्कि उनका कुफर पर जमे रहना और डटे रहना ये सबब है इस सज़ा का जो कि अल्लाह ताला की तरफ से फिर इनको मिली है वो ये है कि ख़त्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला सम यह दुनियावी सज़ा है कि दुनिया में अल्लाह ने मोहर लगा दी है उनके दिलों पर और उनके कानों पर अब मोहर का मान माना यह है कि अब हिदायत जो है वो इनमें दाखिल ही नहीं हो सकती और ये नतीजा है उनके पहली मरतबा हिदायत को ठुकराने का पहली दफ़ा हिदायत को ठुकराने और उसका इनकार करने के नतीजे में और इनाद की वजह से हिदायत को ठुकराने के नतीजे में सज़ा यह मिलती है कि बंदा मुस्तकिल हिदायत से महरूम हो जाता है ख़त्म अल्लाह कुल हिम व अलाम और उनके कानों पर भी पर्दे हैं कानों पर भी जो है वो मोहर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लगा दी है अब ना हिदायत इनके दिलों में दाखिल होगी ना इनके कान जो है वो हिदायत सुनने के लिए तैयार होंगे और वाला अब सॉरी हिम गिशा और इनकी आँखों पर जो है वो पर्दा है किस चीज़ से हिदायत और उसके दलाइल और अल्लाह की निशानियाँ उनको देखने से आँखों पर भी अल्लाह रबुल्ज़त ने पर्दा डाल दिया है ये दुनिया में उनकी सज़ा है कि दुनिया में अल्लाह तदायत से महरूम कर देता है

तो इस वजह से अब हम इनके दिलों को और इनकी आँखों को हिदायत से मुस्तिल ही फेर देंगे और वला अबसारम षाव ये तो दुनियावी सज़ा हो गई और वला हम आदाब उन अदीम आख़रत में इनके लिए क्या है आख़रत में इनके लिए आदाब अदीम है बहुत बड़ा अजाब है ये काफिरों का तस्करा था जो कि ज़ाहिरन और बातिन काफ़िर हैं अब मुनाफिक का तस्करा शुरू होगा मुनाफिक के तस्करे में अल्लाह रबाल्ज़त ने काफ़ी तफसल जो है वो ज़िक्र की है और मुनाफ़िकीन की तकरीबन पंद्रह के करीब सिफात जिक्र की हैं और फिर जो है वो उनकी दुनिया और आख़रत की सज़ा जो है उसको जिक्र किया है तो फरमाया कि वमिन अन्नासी लोगों में से बाज़ ऐसे हैं मैं यक़ूल हूँ यहाँ पर जो है वो अन्नास आ, से यानी कि ये जो काफिरों का ही ये हिस्सा है इसीलिए यहाँ पर हरफ अतफ़ को ज़िक्र किया है क्योंकि पिछला गरो और ये ग्रोह जो है दोनों असल में एक ही हैं इनके ताल्लुक है तो कहा नासी लोगों में से बाज़ ऐसे हैं मई यकूल जो ये कहते हैं अपनी ज़बानों से आमन्ना बिल्ला बिलयमिल आखिर हम तो अल्लाह पर भी ईमान रखते हैं आख़रत के दिन पर भी ईमान रखते हैं लेकिन वमाह हम फ़ी कुलहिम लेकिन वो हकीकत में ईमान वाले नहीं हैं मतलब यह है कि उनका जो पहले ये कहना कि आमन ना बिल्ल व बिल्मिल आखिर ये अपनी ज़ुबानों से है दिलों से नहीं है और हकीकत उनके दिलों में यह है कि दिलों में वो ईमान वाले हैं नहीं हैं तो युखा तऊन अल्लाह वल्लीन आमन ये धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं अल्लाह को और ईमान वालों को वमा यदा नफुसा हूँ और ये हकीक़त यह है कि नहीं धोखा दे रहे मगर अपने ही आप को वमा शुरू उन लेकिन इनको शूर नहीं है तो मुनाफिकीन के बाद और साफ़ जिक्र हुए मसला पहला बसफ़ यह है कि यह ज़बान से इकरार करते हैं ईमान का दूसरा बसफ़ यह है कि दिल जो है ये इनके ईमान से इनकार कर रहे होते हैं इनका तीसरा बसफ़ ज़िक्र हुआ कि वो है खिदा और धोखा दही और चौथा जिक्र हुआ कि अदम शो श नहीं है अब अदम का सबब क्या है वो ये है कि फ़ी भी हिम मारद इनके दिलों में बेमारी है फजाद हमल्ला मारदा अल्लाह इनको इनके मर्ज़ में और भी बढ़ा दे या तो ये बदुआ का माना है या फिर ये ख़बर का माना है अगर बदुआ का माना करें तो फजाद हमलोल्ल हमारा अल्लाह इनको इनके मर्ज़ में और भी बढ़ा दे और अगर ख़बर का माना करें तो अल्लाह इनको इनके मर्ज़ में और भी बढ़ा देता है ये दुनियावी सज़ा है दुनियावी सज़ा ये है कि इनके दिलों में मौजूद नफाक़ जो है अल्लाह रब्बुल उन उसको फिर और भी बढ़ा देता है उसकी कई सूरतें हैं मिसाल के तौर तो पे अल्लाह ताला मोमिनों को फ़तह देता है कामयाब करता है और ये अपनी जलन और अपने हसद और भग़ज़ में और बढ़ जाते हैं इनके दिल और जल जाते हैं या फिर अल्लाह ताला और सूरतें नाजिल करता है कुरान का और हिस्सा नाजिल करता है तो इनका जो कुफ़र है वो और बढ़ जाता है मसलन तो एक बंदा पहले दस सूरतों का कुफ़र कर रहा था अपने दिल में जब और एक सूरत नाजिल हो गई तो इनका कुफ़र जो है वो और बढ़ गया ग्यारह सूरतों का काफ़िर हो गए तो फ़जाद अहम अल्लाह ताला इनके मर्ज़ को और बढ़ा देता है तो दुनियावी सज़ा ये हो गई और उखरवी सज़ा ये है वलहुम हम आज़ाब उनम बिमाकान यकदिबू इनके मुस्तकिल झूठ बोलने की वजह से आख़रत में इनके लिए दर्दनाक किस्म का अजाब है अब दो मज़ीद सिफात जिक्र हो गई मुनाफिकीन की नंबर एक दिल की बीमारी और नंबर दो झूठ की आदत यानी कि ये कुल कितनी सिफ़ात हो गई छः सिफात हो गई यानि कि ज़बान से इकरार करते हैं एक नंबर दो दिल से इनकारी हैं नंबर तीन धोखा देते हैं नंबर चार अदम शعूर। शعूर इनके पास नहीं है नंबर पाँच दिल की बीमारी है नंबर छः झूठ की आदत है वलहुम वलुम आदाबलीम बीमा कानदीब उन ये अदाबलीम का पहला सबब है इनका मुस्तिल झूठ बोलना ईमान वालों से कि हम तो ईमान वाले हैं अजाब अलीम का दूसरा सबब यह है कि ला तुफु फिल कालू नहनु मुस्लिहून वो ये है कि ये जब इनसे कहा जाता है कि अपने इस निफाक के ज़रिए ज़मीन में फ़साद मत फैलाओ तो कहते हैं इन नखन मसलहूँ अह करने वाले तो हैं ही हम माना यह है कि ये सहाबा जो हैं ये तो इस्लाह करने वाले नहीं हैं असल इस्लाह करने वाले तो हम हैं सहबा पर तारीस करते हैं और इशारता पर जो है वो एतराज़ करते हैं तो ये अजाब अलीम का दूसरा सबब और मुनाफिक के दो औसाफ़ मज़ीद यहाँ पर जिक्र हो गए फसाद को इसलाह कहना और अगला ये कि खुद में हकीक़ता ख़ुद में फसादी होना तो ये भी दो असाफ़ हैं वमीनू और जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ कमा आमन आसु जैसे सहाबा ईमान ल तो कलु कहते हैं अनु मिनु कमा आमन क्या हम उस तरह ही मान लाएँ जिस तरह बेवकूफी मान लाए हैं अला हम हम सुफहा उला किए आलमून ख़बरदार असल में बेवकूफ़ तो हैं ही ये ख़ुद लेकिन बात यह है कि इनको मालूम नहीं है अपनी बेवकूफ़ी का अब यहाँ पर और औसाफ़ जिक्र हो गए साहबा को बेवक़ूफ़ कहना और ख़ुद बेवकूफ़ होना और ये कि जहल मुरक्कब का शिकार होना जहल मुरक्कब जहल मुरक्कब यह है कि एक तो हैं जाहिल दूसरा अपनी जहालत को जानते भी नहीं एक वो शख्स है जो कि जाहिल है बेवकूफ़ है लेकिन उसको अपनी बेवकूफ़ी का पता है ये बहुत बेहतर है बनिस्बत उस शख्स के कि जो है भी बेवकूफ़ और जाहिल और उसको अपनी जहालत और बेवकूफ़ी का इदराक और एहसास भी नहीं इसको कहते हैं जाहल मुरक्कब यानी कि दो जहल इकट्ठे हो गए इसमें तो इसी तरह मज़ीद इनकेसाफ़ अगली आयात में बयान होंगे व इदा लकदीन आमनु क़ाल आमन्ना जब इनकी मुलाकात होती है अचानक ईमान वालों से तो कहते हैं हम तो ईमान वाले हैं वदा वा ख़ल शयातिन इम और जब तन्हा होते हैं अपने शयातीन और सरदारों के साथ तो क़लु उनसे कहते हैं इन्नाकुम बेशक हम तो आपके साथ हैं अच्छा फिर तुम उनके साथ क्यों बैठते हो उनके साथ तुम्हें चलते फिरते क्यों देखा जाता है इन नमानाजी उनके साथ तो हम मजाक कर रहे होते हैं यानी कि ईमान वालों के साथ जो कभी आप हमें देखते हैं वो असल में उनके साथ हम इसजाक कर रहे होते हैं वरना हकीकत में तो हमारी वफ़ादारियाँ आपके साथ हैं हमारी वाबस्तगियाँ आपके साथ हैं ये लोग अपने काफिरों में से जो अपने सरदार या अपने जो आ, बड़े हैं उनको ये रिपोर्ट देते हैं उनको ये कहते हैं तो शयातिन की दोस्ती यानी कि बड़े जो काफ़िर हैं उनकी दोस्ती और ईमान वालों का इस्तेज़ा ये भी इनकी सिफात में से तो है तो अल्लाह तजी उबिम अल्लाह इनके साथ इस्तेहजा करता है वह यमुद्दम और इनको मोहलत देता है फ़ीतो या नम या महून कि ये अपनी इनको अल्लाह ढील देता है कि यह अपनी सरकशी में सरकर्दा रहें हैरान और परेशान जो है वो फिरते रहेंकल बिल हुदा ये वो लोग हैं कि जिन्होंने पसंद कर लिया है गुमराही को हिदायत के मुक़ाबले में फमार बिहत तिजारत हम इनकी इस ने इनको कोई भी फ़ायदा नहीं दिया वमाँ कानूम व और इनकी कोई भी रहनुमाई नहीं की गई ये बिल्कुल भी इनकी हिदायत इनकी जो रहनुमाई है वो नहीं की गई मतलब ये है कि इन लोगों ने हिदायत के बजाय गुमराही को पसंद कर लिया है तो ये जो सौदा है हिदायत के मुकाबले में गुमराही को पसंद कर लेना ये ऐसा सौदा है कि जिसमें बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है तो इसलिए कहा फमार बेहद तजारत हूँ इनकी तजारत ने इनको कोई फ़ायदा नहीं दिया वमा कानू मुहतदीन और ये बिल्कुल भी हिदायत याफ्ता नहीं हो सके तो अब जो है वो दो मज़ीद सिफात ज़िक्र हो गई गुमराही को पसंद करना हिदायत के मुक़ाबले में और वमा कानदी अदम अहतदा हिदायत से महरूम होना तो ये जो अजाब अलीम है इसके मुख्तलिफ इसब यहाँ पर ज़िक्र हुए हैं और उन उनबाब के ज़िमन में मुनाफिकीन की सिफात जिक्र हुई हैं अब यह तीन गरोहों का तस्करा हुआ अब इन तीनों ग्रोहों के लिए कुछ मिसालों का बयान होगा तीनों ग्रहों के लिए तो नहीं बल्कि आखिरी दोनों ग्रोहों के लिए मिसालों का बयान होगा और एक मिसाल जो है वो नारी है उसमें आग का जिक्र है दूसरी मिसाल जो है वो पानी की पानी की के ज़िक्र से है और पहला जो ग्रह है उसकी वो वाजे है इसलिए उसकी मिसाल की ज़रूरत नहीं है तो दोनों आखिरी ग्रोहों की मिसाल जो है वो बयान होगी बाकी जो काफिर असली हैं उनके लिए अजाब अजीम का ज़िक्र किया था और अजाब अजीम जो है वो अजाब का बड़ा होना यानी कि ये एक अजाब का ज़ाहरी वसफ़ है तो चूँकि उनका कुफ़र भी जाहिर है तो इसलिए यहाँ पर अजाब का ज़ाहरी वसफ़िक किया और मुनाफिकीन के लिए कहा अदाबुन अलीम तो दर्दनाक होना अजाब का बातनी वसफ़ है तो इसीलिए मुनाफिकीन का कुफ़र भी चूँकि बातनी है तो उनके लिए बातनी वसफ़ को जिक्र किया इसी तरह इसके अंदर ये भी है कि मुनाफिकीन मुनाफिक पर तारीज़ करते हैं जैसा कि आपने देखा कि इनमा नहनमसलि हम इस्लाह वाले तो हैं ही हम माना यह है कि ये साहबा जो हैं ये इस्लाह करने वाले नहीं ये असल में फसाद करने वाले और इसी तरह जो इन्होंने कहा कि अनुमिनु कमा आमन सफ़ाह क्या इन बेवकूफ़ लोगों की तरह हम ईमान मान लें तो इधर बेवकूफ़ लोगों से मुराद ज़हर है कि कौन है मुनाफिकीन के नज़दीक बेवकूफ़ लोग हैं और हमने देखा कि अल्लाह रबुल्ज़त ने उनके ये बात कहने पर दोनों दफ़ा जवाब में उन्हीं पर उनके ऐब को लौटाया है अला इन्ना हुम हुमुफिदूँ ये असल में सहाबा को फसादी कहने वाले और ख़ुद को मुसलह कहने वाले असल फ़सादी हैं ही ये लेकिन इनको पता नहीं है इनको शा नहीं है दूसरा ये कहा कि अला इन्ना हुफ़ाहा को बेवकूफ़ कहने वाले असल में बेवकूफ़ हैं ही ये बला किल्लामोन सफ़ात हूँ लेकिन इनको अपनी बेवकूफ़ी का पता नहीं है इनको पता नहीं है कि यह ख़ुद बेवकूफ़ है तो जहल मुरक्कब। है इसी तरह इन आयात के अंदर और भी कई बातें हैं मिसाल के तौर पर यह उला इकल्दी अशतराबला तबिलहदा इसके अंदर ये एतराज़ है या ये, ये सवाल पैदा होता है कि इश्तरा और किसी चीज़ को ख़रीदना इसका असल माना तो किसी चीज़ को ख़रीदना है तो इन लोगों के पास तो हिदायत है ही नहीं थी तो इन लोगों ने किस तरह हिदायत के मुकाबले में गुमराही को जो है वो ख़रीदा है तो इसके कई तरह से जवाब हैं एक जवाब इसका यह है कि यहाँ पर हिदायत से हिदायत फितरी मुराद है जिस तरह के हमने सूरतलफ़ा के अंदर हिदायत के मरातब और हिदायत की तकसीम पड़ी थी एक जवाब यह है कि हिदायत से मुरादिन इनका ज़बान से आमन् ना कहना है जिस तरह के हमने आयत नंबर आठ के अंदर पढ़ा है आमन्ना बिल्ला आखिर और तीसरा जवाब यह है जिस तरह हमने तर्जुमा किया कि इश्तरा जो है ये इस तहब्बू के माना में है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हिदायत के मुकाबले में पसंद किया है इसका ये मतलब नहीं है कि पहले इनके पास हिदायत थी इन्होंने एक हाथ से हिदायत दे के दूसरे हाथ से गुमराही जो है वो ले ली है जिस तरह ख़रीदो फरोख्त में होता है नहीं यहाँ पर वो माना नहीं बल्कि यहाँ पर गुमराही को हिदायत के मुकाबले में तरजीह देना और पसंद करना के माना में है इसी तरह इन आयात के अंदर ये बात है कि ईमान वालों के साथ इनकी मुलाकात वो राह चलते होती है जिस तरह के आयत नंबर चौदह हैं वहीदा लकुल्लदीन आमन ई ईमान वालों के साथ इनका बस राह चलते टाकरा होता है और उसके मुकाबले में वहीदा ख़लऊ अलाशयाती नम अपने सरदारों और कुफ़ार के जो सरपंच हैं उनके साथ इनकी बाकायदा मजलिसें और मीटिंग्स होती हैं तो इससे मालूम होता है कि मुनाफिक की असल मोहब्बतें वस्तगियाँ दोस्तियाँ और उनके याराने जो है वो कुफ़ार के साथ होते हैं तो ये मुनाफिकीन की पंद्रह तकरीबन सिफ़ात हैं और उनके दुनिया और आख़रत के आ में जो उनकी सज़ा है उसका तस्करा है और ये वो ग्रोह है जो कि ज़ाहिरन कुरान पर ईमान लाने वाला है लेकिन बात जो है वो कुरान का मुनकर और कुरान मजीद का इनकार करने वाला है तो इन श्ला यहाँ से आगे अगली क्लास के अंदर हम तर्जुमा पढ़ेंगे वो सल्ला तबीना महमदा वसाभ व ताबी